दोस्तों, भारतीय सिनेमा का इतिहास 100 सालों से भी पुराना है। इन 100 सालों में भारत में सिनेमा का स्तर इतना ऊपर उठ गया है कि आज हम वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री में शुमार हैं। और वो सब हो पाया है इंडस्ट्री के परफेक्शन के कारण। हमारी फिल्मों में एक एक सीन पर काफी मेहनत की जाती है। ऐसा ही एक सीन होता है सिर पर गोली मारने का। दोस्तों, वैसे तो बंदूक से गोली चली और किसी के सिर में जाकर लगी, सामने वाला गिर जाता है और सीन खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ दिखाया नहीं जाता है, लेकिन इस तरह के सीन शूट करने में काफी मेहनत लगती है। आप भी आखिर सोचते होंगे कि कैसे गोली चलते ही सामने वाले के सिर में निशान हो जाता है और वो गिर जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस तरह के सीन अलग अलग हिस्से में शूट होते हैं। पहले गोली चलाने का एक्शन करते हुए सीन शूट कर लिया जाता है। इसके बाद जिसे गोली लगने वाली है उसका सामान्य सीन शूट कर लिया जाता है। इसके बाद मेकअप करके उसके माथे पर गोली लगने का निशान बनाया जाता है। फिर उस निशान के साथ सीन को शूट किया जाता है। अगर गोली लगने के बाद व्यक्ति को गिरते हुए बताया गया है तो नीचे सेफ्टी बेल्ट लगाकर उसे गिरते हुए दिखाया जाता है। अगर गोली लगने के बाद माथे से खून रिसते हुए दिखाना है तो फिर उस सीन को अलग से शूट किया जाता है। ऐसे में मेकअप के समय गोली लगने के निशान के अंदर 1 से 2 मिलीलीटर का छोटा सा ट्यूब लगा दिया जाता है। उसे पिन से बस्ट किया जाता है। जैसे ही 2 बूंद खून रिसता है उसे शूट कर लिया जाता है। इसी तरह की कई ट्रिक्स फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों में दिखाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।